और ये चीज मैंने सिद्धू पाजी से सीखी है, पीछे चार लड़कियों के बैठने की जगह आपने 8 एडजस्ट की हुई है। यहाँ शो पे इतनी अच्छी कुर्सी संभाली है, वहां विधानसभा में भी कुर्सी संभाली है, जोरदार तालियां। अच्छा पाजी आप एक बात गौर करना, लड़कियों ने कभी लिपस्टिक लगाई हो ना ताजी ताजी, ज्यादा मुंह नहीं खोलती वो, छोटी छोटी ऐसे बाइट्स लेके तोड़ के खाती है, इस चिड़िया खाती है ना, और राजमा भी अंदर जा रहा था वो भी ऐसे करके घुसता है। अच्छा यही लड़कियों को ऐसे करके रख दिए, जब चटखारे लेने का टाइम होता है ना गोलगप्पे खाने, फिर इतना बड़ा मुंह खोल के पूरा गोलगप्पा एडजस्ट कर लेती है अंदर, और वो खाया नहीं होता उससे पहले ऑर्डर देती है, भैया ये पीकर तीखा करना। अच्छा सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट करते हैं छोटे शहरों में ऑटो रिक्शा वाले, वो इतनी सवारियां बिठा लेते हैं ना कि उनकी अपनी एडजस्टमेंट ऑटो से बाहर लटक रही होती है कभी कभी। आप देख रहे सामने से देखो पता नहीं चलता ऑटो चला कौन रहा है। हाँ। अच्छा ऐसे लोग शादी में मंडप में बैठते हैं ना जब दुल्हन के साथ, उसको बोल देते हैं थोड़ा और आगे सरक ले, एक सवारी और एडजस्ट हो सकती। अच्छा कई शादियों में जब खाना शुरू होता है एक साथ सैकड़ों लोग टूट पड़ते हैं। हाँ। ऐसे में जो आदमी भीड़ में खाना लेके आ जाए वो बाहुबली से कम नहीं है। वो अलग बात है, कई तरह के कटप्पा आपकी कमीज पे पीछे दही पहुंच के निकल जाते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ में आदमी अंदर घुस के प्लेट एक बार पकड़ ले, उसके बाद उसको यही होता है कि दोबारा मौका मिले ना मिले सारा खाना एक ही बार डाल के लाता है। फिर वो जो बाहर निकलता है ना भाई, नजारा देखने वाला होता है, चावलों का ऐसे पहाड़ बना होता है, उसके आस पास नदी बह रही होती दाल की, जैसे चावल खोद के खाना शुरू करता ना पीछे से चावल झाड़ के नान निकलता है, भाई अंदर ही चुपा दिया मेरे को, नान के नीचे से छोले निकलेंगे, फिर रायता, फिर मुंह पोछता हुआ खीरा निकलता है, भाई दो प्लेट ले लेते। अरे शादी के टाइम पे अब तो खैर बहुत सारे नई टेक्नोलॉजी आ गई, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, पहले आदमी एक ही सूट सिलवाता था शादी के टाइम जो सिलवाया, फिर वो कई कई साल चलता था। अच्छा जब सिलवाया था तब आदमी पतला, 10 साल बाद आदमी का वजन बढ़ गया, अब शर्ट के बटन भी टाइट, कोट के बटन भी टाइट, बटन की जान निकली होती है, अंदर से नाभि झांक रही होती, कौन कौन मेहमान आए। अच्छा आपको पता आदमी नहीं कपड़ा भी आदमी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। अब देखना जिस आदमी को बनियान के ऊपर से खुजाने की आदत हो ना, उसके वहां वहां छेद हो जाते हैं। बनियान खुद रास्ता देती है आदमी को, ले कर ले उंगली कर ले। फोन पे कभी कभी आदमी को एडजस्ट करना पड़ता है, गर्लफ्रेंड का फोन आ जाए, आदमी परिवार के बीच में बैठा रहता है, कैसी हो बेबी, आदमी सीधा क्लियर भी कर देता है, बस फैमिली के साथ बैठा हूँ मैं। अच्छा बेबी हमारी फैमिली कब बनेगी। आदमी बेचारा झेपता है कि मैं क्या सुना, हाँ बस वो बात चल रही हो जाएगी। अच्छा एक किसी दो ना। हाँ ठीक है, क्या ठीक है, किसी दो ना एक। हाँ वो अभी फैमिली के साथ मुंबई आके प्रोजेक्ट देखेंगे वो वाला। अच्छा आदमी पूरी कोशिश करता है कि घर वालों को ना पता चले, और किसी को पता ना चले, बाप को पता चल जाता है। हाँ। क्योंकि वो किए खुद बिजनेस खुद करके आया होता है। हाँ। तो पता है कौन से बिजनेस भी प्रोजेक्ट लगाया है ये वाले। सबसे अच्छे लोग वो हैं जो कम पानी में नहाते हुए एडजस्ट करते हैं खुद को, वो एक मग्गा लेते हैं ना पानी का, एक मग लेके ऐसे फेंकते नीचे घोड़ा करके फिर पानी वापस। कई नहाने वाले तो ऐसे ऐसे कमाल करते हैं 6 मग के साथ नहा लेते हैं। सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट तब करनी पड़ती है जब साबुन इतना सा रह जाता ना आपके हाथ में भी नहीं आता वो, और कई बार नीचे भी फिसल जाता। हाँ, नीचे आपके चिपक ही जाता है वो। हाँ। इतना छोटा भी होता है नाभि में फंस जाता कभी कभी। तो आदमी उस समय इतना एडजस्ट करता है कि उठा के यहाँ लगाया, उठा के यहाँ, फिर आदमी एडजस्ट करता है यहाँ से शुरू करता है यहीं से घुमा के, उसको पता है हाथ उठाया कि जितना है वो भी निकल जाएगा। अच्छा मजा तब आता है भाजी जब सर्दियों में रजाई छुट्टी पड़ जाती ना, आप किसी घर जाओ तो आपके साइज की रजाई नहीं है, पहले आदमी पैर एडजस्ट करता है, कभी टेढ़ा होता है, कभी कुकड़ी बन जाता है। हाँ। और रजाई छोटी होती ना, कभी कभी रजाई थोड़ी सी ऊपर रह जाए तो वहां से सुर्र करके हवा घुसती ना, जो ऊपर से आपकी टी शर्ट उठी हो तो पीठ का इतना हिस्सा सुर्र करती जब, तो वो उस समय आदमी बड़ी बद्दुआएं देता है जिसके घर में ठहरता है। अच्छा हर आदमी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एडजस्ट करता है, आप में से कोई मेरे दोस्त हैं जिनको ये लगता है कि हमने यहाँ पे एडजस्ट किया है या वहां पे एडजस्ट किया था। जी मैम, नहीं नहीं शादी हुई आपकी? यस यस यस। अरे मोहतरमा तभी चमक रही है। कभी हुई आपकी शादी? 2 महीने पहले हुई है अभी। अच्छा जी, तो हस्बैंड भी आए साथ में? हाँ जी, ये मेरे हस्बैंड। क्या हाल है जी? अच्छा शादी के 2 महीने बाद ही मतलब शो वगैरह की जरूरत पड़ जाती है हंसने खेलने। बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू सर। कहाँ से आए आप जी? नागपुर में रहते हैं हम लोग।
अच्छा जी, तो मैं यहाँ मर्चेंट नेवी में हूँ। वैसे तो नेवी में टाइम कम मिलता है, मर्चेंट नेवी में हमें थोड़ा ज्यादा मिलता है एक्चुअली, एक ही बल्क में मिलता है ना, 5-6 महीने एक साथ। 5-6 महीने मतलब घर पे रहते हैं? जी जी जी। तो फिर 6 महीने बाकी कहाँ? बाकी शिप पे। तो ये आपको अच्छा लगता है ऐसे 6 महीने बीवी के साथ रहना, 6 महीने दूर, ऐसे जाना चाहता हूँ? ये भी तो एडजस्टमेंट है ना। नहीं एडजस्टमेंट तो है लेकिन जाम भी बना रहता है ना। जी, लेकिन तुम दोनों की जोड़ी बड़ी टनाटन। अच्छा तो जी आप क्या कह रही हैं, एडजस्टमेंट के ऊपर आपके क्या विचार हैं? सर देखिए, अपना मम्मी पापा का घर छोड़ के अब पूरी लाइफ इनके साथ एडजस्ट करना यही बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज, अभी रिसेंटली मैंने अपनी जॉब छोड़ी है, 1 महीना भी नहीं हुआ है पूरा। अब जब ये चले जाएंगे उस समय वो 6 महीने भी मुझे स्पेंड करने अकेले, वो भी बहुत बड़ा एडजस्टमेंट है मेरे। तो आप एक काम करो, आप भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लो ना, 6 महीने आपके साथ, 6 महीने आप इनके साथ। ऐसे कुछ करना पड़ेगा। लाओ ऐसा कोई पानी वाला जहाज साथ में। बहुत अच्छा लगा आप दोनों को देख के हंसते हुए, ऐसे ही खुश रहिएगा, एक साल बाद आइएगा, 3 लोग आइएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और कोई मेरे दोस्त अपने विचार भी? जी हेलो सिंधू साहब, नमस्ते। क्या गला सिंधी साहब? सिंधू साहब, सिंधू साहब। हाँ क्या छो कपिल भाई? भैया मजा मत, और तो सब ठीक ठाक है, दाढ़ी वाली पीवी सिंधु मत बोल देना मुझे। कहाँ से आप? गुजरात से आए हैं? हाँ गुजरात से। गुजरात में कहाँ से? इधर से। इधर से? इधर से किधर से? इधर। इधर जगह का नाम है? हाँ इधर का, वो सिटी। ये इधर किधर पड़ता है? इधर किधर? वो तालुका पड़ता है। अरे इधर किधर? तालुका पड़ता है, इधर तालुका पड़ता है। तो उधर क्या पड़ता है? अच्छा इधर जगह है। हाँ तो इधर किधर है मतलब? इधर शो देखने आए। हाँ समझ गया सर, इधर इधर शो देखने आए। ओके ओके, आपका फेमस शो देखने आए। दोस्त भी आप इधर खड़े हैं, सिद्धू साहब उधर हैं। तो हम किधर हैं? हाँ जी जी सर जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इधर हूँ। आप इधर हैं तभी हम इधर हैं। अगर आप इधर आएंगे तो हम किधर जाएंगे? तो एडजस्टमेंट के ऊपर आप? एडजस्टमेंट में मैं बोलने वाला था, मैं 2-3 साल पहले इधर सर्विस करता था, मरीन लाइन सर्विस से जा रहे थे। अच्छा जी। और शाम को टाइम था 6 बजे तक। अच्छा जी। और ट्रेन का भी टाइम हुआ था, वॉशरूम बहुत जल्दी से आ गया था। वॉशरूम बाथरूम जल्दी कैसे आ गया? ये तो कभी भी आता है, उसका कोई टाइम थोड़ी। म्युनिसिपैलिटी का पानी थोड़ी ना जो टाइम पे आएगा वो तो। अच्छा फिर? तो फिर मैंने ऐसे में कुछ देखा कि एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो फिर वो पटरी पर एडजस्टमेंट कर लिया, पुलिस ने पकड़ लिया। मैंने एडजस्टमेंट कर लिया और पुलिस ने पकड़ भी लिया। पकड़ लिया? अच्छा पुलिस ने पकड़ लिया। मैंने बोला दूसरा कुछ एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट करते हुए पकड़ा के बाद में पकड़ा? नहीं बाद में, बाद में, बाद में। तो मैंने सोचा कि दूसरा कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो पुलिस को मैंने पकड़ा, तो मैंने कुछ एक्टिंग किया। सुनता तो उसने सोच लिया कि बोल भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता, मेरे को आराम से छोड़ दिया। पर आपको पता है स्वच्छ भारत चल रहा है, पटरियां भी भारत में ही आती हैं। थोड़ा बैक बोला ना मैंने, अभी का नहीं है। अब तो ट्रेन फिसल जाती तो ऐसे थोड़ी करते हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, धन्यवाद। शुक्रिया भाजी। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, ये एक ऐसी सुरीली सिंगर हैं, ऐसी वर्सेटाइल सिंगर हैं, इनके पास गाने में हर तरह की रेंज है, और इन्होंने जिससे शादी अरेंज की है वो भी कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। आप सब इनको बाखूबी जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ये सबकी चहेती हैं। प्लीज वेलकम द वेरी वर्सेटाइल सिंगर सुनिधि चौहान और साथ में उनके हस्बैंड म्यूजिक डायरेक्टर हितेश सोनिक। हमने सुनिधि से बहुत बार मुलाकात हुई, पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं, लेकिन इस बार हमारी इच्छा थी कि मियां बीवी दोनों साथ में आए। आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं। राग संग रागनी, राग संग रागिनी, ऐसा ये जोड़ा जचता है। इनके संगीत और सुरों पे तारीफों का शोर मचता है। हितेश जी, वैसे तो आप देते हैं फिल्मों में म्यूजिक, लेकिन मेरा ये तजुर्बा है कि शादी के बाद पति का ही बैंड बजता है। चलिए ये तो जानेंगे, इससे बातें करेंगे जब। आइए आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां सुनिधि और हितेश के लिए। मेरे कहने पे इतनी ताड़ियां यहां से नहीं बजी जितनी हितेश जी ने मारी, देख ले। सुनिधि और हितेश की शादी को अभी 24 अप्रैल को 5 साल हो गए हैं, बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। एक्चुअली कोई चेंज आता है क्या शादी के बाद? ऐसे मैं जस्ट पूछता रहता हूँ। चेंज, पहले मैं खुद के लिए नाश्ता बनाता था, अब मैं 2 लोगों के लिए बनाता हूँ। चलिए ईश्वर करे आप बहुत जल्द 3 लोगों के लिए नाश्ता बनाए। एक्चुअली देखा जाए हितेश भी बहुत शाय से लगते हैं और सुनिधि भी बहुत कम बोलती हैं,
तो प्रपोज किसने किया था पहले? दोनों ने एक एक बार किया. पहले किसने किया था फिर? राज की बात यह है कि प्रपोज तो इन्होंने किया, लेकिन अच्छा. मैंने बहुत कोशिश की कि मैं हाँ ना कहूँ. ऐसे क्यों? ऐसी मस्ती. आपको लगा वो मजा भी तो आता है ना? मजा भी तो आता है ना करने में. हाँ वो तो है. लेकिन मुझसे ना हुआ नहीं, क्योंकि हाँ तो बोलना ही था. और मैं डीप इनसाइड वेट कर रही थी कि वो दिन कब आएगा जब ये एक्चुअली खुद बोल दें. तो वो आ गया बहुत अच्छे दिन. अच्छा क्या बात है. मुझे लगा शायद इसलिए नहीं आपने पहले हाँ कर रही थी कि म्यूजिक डायरेक्टर हैं, अगर इन्हीं के साथ शादी कर ली ये तो फ्री में गाने गवाते रहेंगे. हमारी पेमेंट कौन करेगा? अमेरिकन सिंगर एनरिके के साथ आपने एक बड़ा ही खूबसूरत सा सॉन्ग गाया था जी. आपसे सुनना चाहेंगे, दो ऐसे ही लफ्ज हो जाएं. आपके लिए माइक यहाँ पे है. जब भी आजकल शादियां होती भाजी लेडीज संगीत होता ना, ये नाम का लेडीज संगीत होता है. लेडीज उसमें कुछ नहीं गाती आजकल. वो पहले जमाने गए ढोलक पे चम्मच, और वो ढोलक पे निशान पड़ जाता था उसकी कमर पे, वो सब चीजें गई. आजकल डीजे बजता है. आपकी शादी में डीजे बजा था? आपने खुद ही शो किया था अपनी शादी में? डीजे बजा था और हमने बहुत डांस किया. आपने गाने बीड़ी पर, वो डीजे ने बजा दिया बीड़ी के, और मैंने पहनी थी रिसेप्शन में साड़ी. हाँ. अच्छा. मैंने साड़ी उठा के डांस किया. अरे बाप रे बाप. अब क्या बोलेंगे. एक्चुअली पाजी बड़ा बेहतरीन सॉन्ग है ये, सुनिधि ने गाया है. बाय द वे मैं आपको बता दूं, सिद्धू पाजी ने जो नोट छेड़ा है ना, वो जो इस गाने का ऑक्टेव है उसका ऊपर वाला ऑक्टेव से आपने शुरू किया. आपकी क्या रेंज है. कहाँ शुरू किया आपने? मेरा सर एंटीना जो है ना ऊपर वाले से जुड़ा हुआ. थैंक यू. ए लीजिए म्यूजिक इंडस्ट्री की आन बान और शान, मिस्टर हितेश एंड सुनिधि चौहान. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारा. आप लोगों का तो होता रहता है, कभी हमको भी चालस दे दीजिए. वैसे सच बता, ये लीजिए आपके स्वागत के लिए हम हार भी लेकर आए हैं, लेकिन यू नो ऑन सेकंड थॉट्स हम चाहेंगे कि आपके जीवन में कभी भी हार ना आए, हमेशा जीत आए. इसलिए हार कैंसल. लेकिन नहीं मानना पड़ेगा भाई, कमाल का जोड़ी है. बताइए कहाँ से लिया? कहाँ से लिया क्या मतलब? मैंने जूते का जोड़ी कर रहे हैं, कमाल का है यार, हमको भी लेना है. हमको भी लेना है, इनको पीठ पे दे दीजिए दो. पीठ पे वार करने का बात कर रही है, आदमी तो कटप्पा निकला. बच्चा एक बात बता, तू सूर्यवंशम है? नहीं तो? तो फिर बार बार क्यों आता है? आप गूगल है? नहीं तो क्यों? हर चीज का जानकारी आपको होना जरूरी है. चलिए रुकिए रुकिए, हमारे कुछ दोस्त भी आए हैं यार. ओ मंगलू, ए बसे सर, आ जाओ केसरिया, सब आओ सब आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. ए उलझड़िया जरा साइड में हो जाइए. ए रुक जाइए रुक जाइए. ए कुछ नहीं कुछ नहीं, बैठो बैठो बैठो. ए देखिए आपके सामने लाइव एंड एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं आपको सुनिधि चौहान. आर यू रेडी लेडीज एंड जेंटलमैन? ए लेडीज कहाँ हैं? तो आप साड़ी पहना दीजिए, आपको तो आदत है यार यहाँ पे. कौन है आप लोग? ये आम आदमी है भाई, ये वही लोग हैं जिनके लिए ये गाना बनाते हैं, फिल्म वाले फिल्म बनाते हैं, बड़े बड़े कंपनीज प्रोडक्ट बनाते हैं. एक्चुअली देखा जाए तो यार इतने सारे लोग तुम लोगों के लिए इतना कुछ बनाते हैं, यहाँ सेलिब्रिटी आए, तुम एक चाय बना के नहीं ला सकते थे? हम क्यों बना के लाए? हम तो शो देखने आए, हम तो टिकट भी लिया है. ए, इधर तो फ्री है, टिकट किसने दिया आपको? मायावती जी ने टिकट दिया है. फालतू का बात कर रहे हैं यार, हमने दिया है टिकट. टुडे दे हैव कम फॉर लाइव शो. इट इज बच्चा प्रेजेंट सुनिधि चौहान नाइट लाइव इन कॉन्सर्ट. आर यू रेडी सुनिधि जी? नो. आहा क्या सुर में निकला है, सुना आपने? आहा ओहो क्या ब्यूटीफुल आवाज है यार. ये कैसा शो है जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं? अरे ये लीजिए, क्या सिंगिंग है यार, क्या गाया है, ओहो मजा ही आ गया. ये तो नॉर्मल बात कर रही है, कहाँ गा रही है? अजीब बात है यार, ये गाने बाने का नहीं नहीं नहीं, इसको आदत नहीं, इसको आइडिया ही नहीं. आजकल ऐसा गाना चलता है, क्या बोलते तू, क्या मैं बोलू, सुन ना, ऐसा बातों में गाना होता है, इसलिए वैसा ही गाना गा रही है. तो अपने सही गाना, सही बात है ये तो, सही क्या सुर में बोला है, देखे सही बात है, सही सही बात है, सही बात है, सही सही बात है, सही बात है, सही सही बात है.
क्या बात है ना? ये देखो अभी फिर बोल दिया क्या बात है, ए, बात है? ये आदमी का भी देखो गाना निकल जाता है दूसरे का, ये देखो ये भी सही बोल दिया सही बात है, ये भी बोल दिया सही बात है, सही बात है भाई, सही बात है, सही बात है भाई, सही बात है, सही बात है भाई, सही बात है। अच्छा आज बर्मन साहब होते ना तुम्हारे सर पे तबला फोड़ते, हो क्या किया तूने आज गाने का? तूने दी चौहान जी के लिए जोरदार तालियां। अच्छा फटाफट निकलो, तुम्हारी भैंस इधर गोबर ना कर दे, चलो। रुकिए जरा यार, आदमी आया है, सबसे पहले सुनिधि जी आपको बताना होगा, ये हमारा मंगलू है, इससे ऐसा क्या कोई पर्सनल इश्यू है आपका, इज देयर अ प्रॉब्लम? मतलब मैं समझी नहीं। नहीं नहीं, इसका बीवी है, उसका नाम था शीला। आपने गाना गा दिया शीला शीला की जवानी, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, लेडीज है तो इसने अपनी बीवी का नाम बदल के रख लिया बबली, फिर इन्होंने गा दिया बबली बदमाश है, बबली बदमाश है। ये बेचारा अपना बीवी का नाम बदलता आ रहा है, बोल रहा है कि एक बाय एक ऐसे गाने आते जा रहे हैं, अब क्या करें? तो इन्होंने अपनी बीवी का नाम कैंसिल ही कर दिया। पता है अपनी बीवी को क्या बुलाता है अब? क्या? अपनी बीवी को बुलाता है। अब ये कैसा नाम हुआ सोचिए, ये सभी अपने लेडीज के जो वाइफ है इनके सबका नाम ऐसे रख दिए, ऐसा कैसे चलेगा यार? कपू शर्मा आपका ऐसा नाम हो गया तो सोचिए यहाँ पे लिखा होगा दो शर्मा को, कितना प्रॉब्लम हो जाएगा सोचिए। हमको इस समस्या का हल मिल ही नहीं रहा था, फिर एक आइडिया आया हमको, क्या? कि किसान के पास जाते हैं क्योंकि किसान के पास हल है। It's okay, I love you too. आप लोगों का समस्या डिस्कस किया ना हमने, बहुत हुआ ना आपका, तो चलिए ना यार, अभी क्या बैठे हैं यहाँ पर, अभी तक सारे बातें तो कर लिया आपके लिए, चलिए अब हमारा भी टाइम हो गया है, हम भी चलते हैं, और कोई आपको हमसे कोई बात करनी हो तो कर लीजिए, वरना हमारे जाने का वक्त है। देखिए सब क्या चाहते हैं कि जोक सुनाए हम, अभी हम जोक क्या ज्यादा सुनाते नहीं सुनिधि जी, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा माहौल बन जाता है, कॉमेडी इतना फैल जाता है ना कि फिर कंट्रोल नहीं होता है कि भाई कॉमेडी को रोकें। पर चलिए ठीक है, आज आप आई हैं, जोक्स के बिना कैसे आपको ऐसे? फैला दो। एक बार एक ट्रक ड्राइवर होता है वो थोड़ा ऐसा फनी वाला जोक है तो एक बार एक ट्रक ड्राइवर होता है, वो सड़क के रॉन्ग साइड पे जा रहा होता है, पुलिस वहां पर खड़ी है, सारी की सारी खड़ी है, बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां, पुलिस वाले हैं, कोई भी उसको नहीं रोकता, पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि वो पैदल जा रहा होता है यार। मैं एलोपोजी। बहुत माहौल बन जाता है यार, बहुत मजा आ जाता है। इसीलिए कहता हूँ ज्ञान की बात सुनाओ। देखिए ज्ञान की बात सुनिए, अगर कोई खूबसूरत लड़की एकदम सज धज के मेकअप शेकअप करके अपने घर से निकली है तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? इसका मतलब है थोड़ी देर में उसका डीपी चेंज होगा। बच्चा ये क्या ज्ञान की बात है, ये तो टाइम वेस्ट हो गया। तो आप यहाँ पर कौन से न्यूक्लियर मिसाइल की बातें करते हैं? वैसे सुनिधि जी आपको बताया, आपने ये गाना गाया अपना क्या हो? देसी गर्ल आ देसी गर्ल 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 गर्ल। नहीं 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 नहीं, लेकिन आपने गाया प्रियंका चोपड़ा के लिए, वो तो किधर है देसी, वो तो हो गई विदेशी, अब चली गई वो तो, कोई बात नहीं। लेकिन ये देसी गर्ल वर्ल क्या है? देसी गर्ल नहीं होता है, देसी होता है घी। नहीं नहीं सच में, हम हमारे डेयरी फार्म पे ना मैन्युफैक्चर करते हैं देसी घी। आई गॉट इट विथ मी, आई विल शो यू। ये देखिए हमारे डेयरी फार्म का देसी घी है, इट इज कॉल्ड NRI। NRI मतलब? NRI। ये NRI मतलब 90 रुपए में इतना। पर 90 रुपए में इतना घी कौन देता है, तुझे घाटा नहीं होता? अरे खाली एडवर्टाइजिंग है यार, जब प्रोडक्ट बेचने जाएंगे तो 600-800 का बेच देंगे, एडवर्टाइजिंग में बोल देते हैं ऐसा ही चलता है। आप देखिए एडवर्टाइजिंग में क्या क्या चलता है, वो अभी वो साबुन आया, कहता है कि साबुन में दूध है,
अरे उस दिन हमारी फुलझड़िया ने दूध देने से मना कर दिया था, हमारे घर में दूध था नहीं, हमारे चाचा जी ने चाय मांगी, हमने साबुन चाय में डाल के उनको पिला दी। अब हमारे चाचा जी के मुंह से जो झाग निकले तो फिर क्या किया तुमने? अरे क्या करते यार, इतना सारा झाग देखे तो घर के सारे कपड़े लाके वो झाग में धो दिया हमने। अब तो हम चाचा जी को रोज एक साबुन खिलाते और झाग में पूरा सोसाइटी का कपड़ा धप्पड़ धप्पड़ धप्पड़। सुनिधि जी एक दरख्वास्त है। इट इज दरख्वास्त, ऐसा रिक्वेस्ट को कहते हैं यार। उधरू आती नहीं है यार, क्या बातें करते हो। ये लीजिए, इसके लिए कुछ ऐसा एडवर्टाइजिंग कर देंगे हमारे लिए प्लीज। अच्छा ठीक है, एक प्रोडक्ट को भी अगर हाथ में ले ले आप ऐसा NRI देसी घी। ये मेरा घी बाजार से तुम ले आना, बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए एडवर्टाइजिंग किया है। जाते जाते आपको 1,00,000 रुपए की बात बता के जाना चाहेंगे। 50,000 50,000। तो ऐसे थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।